अस्सलाम वालेकुम। तो अजीत का है सेकेंड डे और हमने सबको इनवाइट किया है डिनर पे, तो बस उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बना रही थी, 3-4 kg के करीब मिलता। बस उसकी रेसिपी फिर कभी देंगे इंशाल्लाह। बस मैं वो बना कर ले आई थी, उसको हम जो है डिश में निकाल रहे थे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो है सर्व करेंगे। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं, तो मेहमान देर से ही आएंगे, तब तक ये सेट हो जाएगा, फ्रिज में रखेंगे। तो फिर मैंने सोचा कुछ ज़्यादा ही टाइम है तो मेहंदी भी लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने ईद के फर्स्ट डे मेहंदी नहीं लगा पाई थी किसी रीज़न की वजह से। तो बस मैंने सोचा आज ही लगा लेती हूँ। मेहंदी भी लगाई थी और बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी मेहंदी। तो कुछ गेस्ट आ चुके थे, कुछ आ रहे थे, तो जब तक जो है हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे। खाना भी रेडी ही था, सब कुछ बाहर से बनवाया था, बस जो है डिज़र्ट घर में बना लिया था। तो खाना भी स्टार्ट कर दिया था घर के साथ, खाना भी सब लोग इंजॉय किया। एक तो सेकेंड डे भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, गेस्ट भी चले गए थे, फिर हमने खुद खाना खाया, खाना बहुत मज़े का था और बहुत भूख लग रही थी। तो बस मैं हम खाना ही खा रहे हैं यहाँ पर। और आप लोग बताएं कि ईद के सेकंड डे आप लोगों ने क्या किया। और मैं फिर कह रही हूँ कि और हाँ, मैं यहाँ ये दिखा रही थी कि मेरी मेहंदी अधूरी रह गई, क्योंकि गेस्ट सारे आ चुके थे, तो मैंने ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि रहने दो, बाद में लगा लेंगे। और शोएब अंकल ये जो है फ्रूट क्रीम फ्रूट चाट लाए थे, तो हम वो भी साथ के साथ इंजॉय कर रहे थे, बहुत टेस्टी थी, थैंक यू शोएब अंकल। और बस यहाँ खाना पीना चल रहा है। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें। ये ईद का थर्ड डे था, बस फिर हम लोग जो है स्टेशन आ गए थे किसी को छोड़ने के लिए। तो बस ट्रेन आने वाली है, 7 बज चुके हैं। हाँ जी, और ट्रेन आ जाएगी, बस आने ही वाली है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेन। मिस्टर फौजी, आर यू ओके? चलें जी, ट्रेन चली गई है, हम भी चलते हैं। फिर हमारा एक गलत फ़ैसला हो गया, लेकिन गलत फ़ैसला भी नहीं कह सकते,
कभी चाइनीज़ इस तरह से खाया भी नहीं है, तो जो समझ में आया वो ऑर्डर किया। मुझे लगा बहुत टेस्टी होगा, बट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। फिर सोचा था पैसे ज़ाया किए हैं तो उसको पूरा फिनिश करके जाए। राइस फिर भी थोड़े बहुत ठीक थे, बट जो इसके अंदर पीनट्स आई थी ना नूडल्स में, या बहुत गंदी थी वो। बट यहीं था हमारा लिस्ट लिखा हुआ तो हमने खा लिया। बताएँ कभी PF चैंग्स गए हैं तो आप लोगों ने क्या क्या खाया है वहाँ, और वहाँ की सबसे फेमस डिशेस कौन सी होती हैं, वो हमें ज़रूर रिकमेंड करें। हो सकता है हमने गलत चूज़ किया हो, तो ज़रूर हमें गाइड करिएगा इस बारे में।